हेलो गई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टॉक के बारे में जिसने दो साल के बाद एक ब्रेकआउट दिया है तो दोस्तों इसने दिया है एक स्पेशल टाइप का ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं डावस बॉक्स ब्रेकआउट तो आप वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि डावस बॉक्स क्या होता है और इसका ब्रेकआउट क्या होता है ठीक है तो इसको अगर हम दो स्टॉक का नाम है जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात करें वह है आई आई एक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ठीक है इसको हम एनालाइज़ करेंगे अपना वीकली टाइम फ्रेम में तो दोस्तों वीकली फ्रेम में आप इसको अगर एनालाइज करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक पहले हायर हाइज हायर लोज ला के ऊपर गया फिर यहाँ से करेक्शन होकर नीचे आया और अभी एक ही रेंज में ये कॉन्सोलीटेट कर रहा है यानी कि एक हायर हाई हायर लो यानी कि एक बॉक्स के जैसा यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है तो जब भी एक बॉक्स के अंदर एक स्टॉक चैनल में कंसोलिडेट करे ठीक है दो सीधे लाइन के अंदर ठीक है यहाँ पर मैं टेढ़ा लाइन की बात नहीं करूँ जब भी दो सीधे लाइन के अंदर एक स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो उसको हम कहते हैं डावस बॉक्स ठीक है जब भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक स्ट्रेट चैनल के अंदर तो उसको हम कहते हैं डावस बॉक्स तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ भागने का चांसेस रखता है क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से यहाँ पर कॉन्सोल्टेट करता आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं एक डावस बॉक्स बनाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक जो है स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से ठीक है और आज जाके इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया एक पहले इसने एक हैमर कैंडल दिया एक हैमर कैंडल देने के बाद इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमको दिया ठीक है अगर हम यहाँ पर टाइम मेजर करें कि कितने टाइम से यहाँ पर जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 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 सेवन ट्वेंटी वन डेज तो इसको हम थ्री सिक्सटी फाइव से भी डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है दो साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है डावर्स बॉक्स में अब यहाँ पर जो है डावर्स बॉक्स में इसने ब्रेकआउट दे दिया है ठीक है अब यहाँ पर टारगेट इसका हम क्या लेके चल सकते हैं और एस एल लेके क्या सकते हैं बटन रहेगा है। अब देखो डावस बॉक्स का हमेशा जो लोअर रहता है वो इसका एस एल रहता है अब यहाँ पर एस एल काफ़ी बड़ा हो जाएगा ठीक है तो हम हम एस एल हम कहाँ कंसिडर करेंगे हम एस एल इस जोन को कंसिडर करेंगे जहाँ से प्राइस पहले रिजेक्ट होते है। ये जोन ये जोन और ये जोन जहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था तो इसको अगर हम एक हॉरजेंटल लाइन की मदद से कनेक्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग ये पर्टिकुलर जोन बनेगा इससे नीचे हम एस को नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा रिस्की हो जाए तो वन सेवेंटी नाइन पे अभी प्राइस है वन फिफ्टी वन के अराउंड हम एस प्लेस कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर कर सकता था मैं नीचे एस प्लेस लेकिन अब यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ छोटा ले रहा है ना क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट लिया यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ से भी रिजेक्ट लिया यहाँ पर लगभग रिजेक्ट लिया और यहाँ से रिजेक्ट लिया देखो यहाँ पर सपोर्ट यानी कि ये मेरे को देखा था कि डावस बॉक्स के अंदर एक यहाँ पर एक माइनर लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये 151, 151 ही मान लो ठीक है राउंड फिगर करेंगे 151 या तो 150 का एक हम लोग एस रख सकते हैं ठीक है अब टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर हम डावस बॉक्स की लेंथ मेजर कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर हम डावस बॉक्स की लेंथ नीचे से लेकर ऊपर तक मेज़र कर लेते हैं लगभग ठीक है लग बग, तो जितना हमारा डावस बॉक्स का लेंथ है इसको अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर जो है हम लोगों का टारगेट कितना बन रहा है टू का टारगेट बन रहा है तो टू का अपना टारगेट बन रहा है और यहाँ पर जो है 151 का एसएल अब दोनों में से जो भी फर्स्ट होगा हिट होगा उसमें से निकलना है क्योंकि यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो है लगभग जहाँ पर हमने स्विंग मेजर किया था लगभग यहीं पर एक रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा है तो प्राइस यहाँ से फिर वापस करेक्ट हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये हमारा टारगेट रहेगा ठीक है और एसएल हम लोगों का ये रहेगा वन ठीक है तो मैं यहाँ पर भी एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियर कट दिख जाए कि यहाँ पर हम लोगों का टारगेट है लगभग इस जोन में ठीक है तो यहाँ पर 250 का हम लोगों का टारगेट रहेगा ठीक है टू फिफ्टी का हम लोगों का टारगेट रहेगा और यहाँ पर वन फिफ्टी का हम लोगों का एस रहेगा और अभी वन सेवेंटी नाइन भी ये आई एक्स जो तो अभी एनालइज़ करेंगे यहाँ पर ई एम ए देखो आर एस आई देखो और यहाँ पर जो है वॉल्यूम भी देखो तो यहाँ पर देखो आर एस आई जो है आपका सिक्सटी फाइव है ठीक है आर एस ए सिक्सटी फाइव है वॉल्यूम में एक्मलेशन है और स्टॉक में मोमेंटम है ट्वेंटी एम ए का सपोर्ट है 20 और ट्वेंटी और फिफ्टी एम ए जहाँ पर है वहीं पर हमने एस एल रखा हुआ है ठीक है तो ये काफ़ी स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है यहाँ से काफी बार रिजेक्ट लेने के बाद दो साल के बाद ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर हमको अपसाइड मोमेंटम देख सकता है छोटा ऐसा लेक हम लोग प्ले कर रहे हैं ऐसे टारगेट मैंने आपको बता दिया एक नया कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा अभी तक देखो हमने एसेंडिंग ट्रैंगल डिसेंडिंग ट्रैंगल और भी बहुत सारे टाइप के ब्रेकआउट देखे और आज के वीडियो में हमने डेवस बॉक्स ब्रेकआउट चेक किया ठीक है इससे आपको आइडिया लगेगा कि डाइवर्स बॉक्स क्या होता है और आने वाले जब आप स्टॉक एनालाइज करोगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई नई वीडियो में आपके साथ में बहुत जल्द फिर से मिलता हूँ तब तक के लिए अलविदा